योग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे प्राणायाम योग भी कहते हैं। योग की एक शाखा है जहाँ बैठकर योगाभ्यास किया जाता है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जहाँ शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। यह शब्द हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रक्रिया से संबंधित है। योग करके निरोग रहने का मंत्र भी अवश्य अपनाना चाहिए। जो लोग बिना योगाचार्य के योग करना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, तो आज इस खबर में मुरादाबाद की योगाचार्य से जानेंगे कि कौन से ऐसे योगासन हैं जिन्हें करके बिना योगाचार्य की मदद से घर पर ही व्यक्ति अभ्यास करके फिट रह सकता है। योगाचार्य मनीषा गर्ग ने बताया कि योग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करके आप फिट रह सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी योगाचार्य की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही कुछ नॉर्मल योगा करके आप फिट रह सकते हैं। ज़्यादातर समस्याएं हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर अकड़ जाता है और छोटा मोटा झटका भी सहन नहीं कर पाता है। उसके लिए आप ताड़ासन कर सकते हैं, प्राणायासन कर सकते हैं, स्कंदासन कर सकते हैं, इसके साथ ही गतिचक्र आसन, भुजंगासन, भिलावासन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी अभ्यास करने से पहले कुछ सेकंड का गैप लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे शरीर को अभ्यास करने के बाद सुकून मिल सके, उसके बाद अगला अभ्यास शुरू करें। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, ऐसे में लोग जगह जगह देखकर योग करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें नुकसान हो जाता है। तो कौन से ऐसे योग हैं जो घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, जिससे वह फिट भी रहेंगे और जो समस्याएं हैं उससे भी निजात मिल जाएगी? इस तरह में इसमें आप कर सकते हैं ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी बॉडी, आपके शरीर जो है पूरा स्ट्रेच होता है, बेंड भी होता है, ट्विस्टिंग होती है, आपकी स्पाइन पूरी मूव होती है। क्योंकि जनरली समस्याएं जो होती है ना, वो हमारी रीढ़ से जुड़ी हुई होती हैं, कि स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका की समस्या हो गई, क्योंकि शरीर जो है आजकल इतना मूवमेंट तो होता नहीं है, तो बेंडिंग ट्विस्टिंग कम होती है शरीर की, और फिर वो इतनी शरीर हमारा अकड़ जाता है कि वो जरा सा झटका भी सहन नहीं करता। तो इसके लिए आप ताड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक ताड़ासन, मृणाल आसन करिए, स्कंद आसन कीजिए, आप छठी चक्र आसन कर सकते हैं, सर्प गति का अभ्यास करिए, भुजंग आसन का अभ्यास कीजिए, लाभ आसन है, और इसके अलावा आप प्राणायाम, पेट के लिए आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, जिससे आपकी गैस की प्रॉब्लम दूर होती हैं, पेट की समस्या दूर होती हैं, और तितली गति का अभ्यास कीजिए, जिससे आपकी PCOD जो आपकी प्रजनन अंगों से संबंधित समस्या उसको ये दूर करता है, बिलाव आसन है, और प्राणायाम में इसके अलावा शव आसन जरूरी है। कोई भी अभ्यास करें विश्राम बहुत जरूरी, हर अभ्यास के बाद आपको विश्राम जरूर करना चाहिए। क्या समय सीमा है, कितना रिलैक्स होना चाहिए, कितना समय सीमा? बस एक सेकेंड या एक मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड से एक मिनट से ज़्यादा नहीं करना हर एक अभ्यास के बाद, बीच बीच में रिलैक्सेशन, क्योंकि योग जो है वो योग बाकी सब जो विधाएं हैं कसरत की उनसे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या है, आपके शरीर को ये थकाता नहीं है, आपके शरीर को ये वो और ऊर्जावान बनाता है, इसलिए हर एक अभ्यास के बाद हम विश्राम जरूर करवाते हैं, रिलैक्सेशन जरूर करवाते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड का रिलैक्सेशन कर लीजिए या 1 मिनट का कर लीजिए। शवासन बहुत अच्छा है, और प्राणायाम जरूर करना चाहिए प्रतिदिन हमें कम से कम 15 मिनट के लिए। उसमें आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी जो गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, और ये हाई BP को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप उज्जयी प्राणायाम करिए। तो इस तरह के बहुत सारे अभ्यास हैं जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने।